हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में कवर करते हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज हैं। फिक्स सैलरी ऑफर की जा रही है 30,000 पर मंथ, और यहाँ पर एक डॉक्टर पार्ट टाइम की भी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए भी फिक्स सैलरी 30,000 पर मंथ है, वो पार्ट टाइम डॉक्टर। और एक LDC, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन है, और अगर टैली आती हो, थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज हो, एक्सेल शीट एक्सेट्रा, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती हो, तो LDC के लिए भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है, जिसकी फिक्स सैलरी है 12,000 पर मंथ। तो चलिए पूरी डिटेल कवर करते हैं, कहाँ से आई है और कौन एलिजिबल है। यहाँ पर बता दूं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग वैकेंसीज हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग वैकेंसीज हैं, इसलिए वीडियो को जरा ध्यान से देखें। और साथ ही साथ जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर भी आप ठीक से पढ़ लें कि कौन सी मेल कैंडिडेट के लिए है और कौन सी अपॉर्चुनिटी फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो चलें आगे बढ़ें, पूरी डिटेल कवर करें। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी कुछ इस तरीके से है, एडवर्टीजमेंट नंबर JKV/adhoc teaching and non-teaching 2020। तो एडहॉक बेसिस पर है, जहाँ पर लिखा है कि 11 मंथ्स या 23 मंथ्स के लिए, इस तरीके से है मेंशन। यहाँ पे 500 रुपीज़ की अगर आपको एप्लीकेशन डालनी है तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। अदरवाइज ST SC PWD और वेमेन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, जीरो एप्लीकेशन फ़ी है। लास्ट डेट जो है 3 सितंबर 2020 रहने वाली है, स्टार्ट हो चुकी है 27 अगस्त को, लेकिन ख़त्म होने वाली एप्लीकेशन डेट 3 सितंबर को। नॉन टीचिंग के लिए मैंने आपको बताया पार्ट टाइम डॉक्टर की ज़रूरत है, MBBS या फिर BAMS की है और 2 साल की प्रैक्टिस की हुई है, तो 30,000 फिक्स सैलरी मिलने वाली है। LDC के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपको अगर टैली की नॉलेज है, MS Word, MS Excel, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती हो, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डालें। 12,000 रुपये 12,000 रुपीज़ पर मंथ फिक्स्ड है। चलिए इसके आगे डिटेल बताते हो सब्जेक्ट्स की। यहाँ पर देखें मेल कैंडिडेट ओनली, फिर इसी तरीके से नीचे जो वैकेंसीज आएंगी उसमें फीमेल कैंडिडेट है, फिर आगे मेल कैंडिडेट है। तो इस तरीके से आपको बहुत खास ध्यान रखना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी में कौन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हिंदी के लिए मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर हिंदी, D Pharma, B Pharma, योगिक साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, फिलोसफी, मैनेजमेंट स्टडीज, ज्योतिष विज्ञान, वेद, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हरिद्वार, ये हरिद्वार में है ये सब, तो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिलोसफी, फिजिक्स, कन्या गुरुकुल कैंपस में, ये देहरादून में है, तो देहरादून में संस्कृत, हिस्ट्री, ड्राइंग एंड पेंटिंग। यहाँ पर फिर से मेल कैंडिडेट्स के लिए वापस आ गया, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है हरिद्वार में, BTech, ECE, CSE, EEE, EEE, ME, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर बात रहती है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में, मैं आपको बता दूं जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट है वहाँ ME, MTech या MS की हुई है या इंटीग्रेटेड MTech है फर्स्ट क्लास से, तो नेट सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से अगर MCA कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं तो वहाँ पर भी आपको BTech, ME, MTech या MCA आपने फर्स्ट क्लास से की हुई है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, नेट सेट की जरूरत नहीं होगी। या फिर ग्रेजुएशन वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर मैथमेटिक्स के साथ है और MCA फिर आपने किया हुआ, तो इस तरीके से। चलिए फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए फिजिकल एजुकेशन रहेगा और नेट सेट रहेगी या फिर PhD रहेगी। तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं टेक्निकल सब्जेक्ट छोड़ के, उन सब में नेट सेट या PhD होना जरूरी रहेगा। 500 रुपये एप्लीकेशन फी है, 500 रुपीज एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन कहाँ से करनी है, द सिलेक्शन ऑफ एडॉक फैकल्टी शेल बी मेड बाई विश्वविद्यालय प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस इनिशियली फॉर 12/23 मंथ्स। इनिशियली फॉर का मतलब है कि आगे भी बढ़ा सकते हैं, 23 मंथ, शुरू में 12 मंथ, फिर 23 मंथ और उसके बाद भी बढ़ा सकते हैं। द एडॉक फैकल्टी शेल बी पेड कॉन्सोलिडेटेड सैलरी ऑफ ₹30,000 पर मंथ। तो ये है, बाकी की डिटेल यहाँ पर दी हुई, किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है, क्या करनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार हम चलते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड। तो ये वैकेंसीज आई हुई है उत्तराखंड, हरिद्वार उत्तराखंड से, और टीचिंग नॉन टीचिंग जो भी है यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे तो वो PDF ओपन होती है। प्लीज थरोली पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे फीस भी है, एप्लीकेशन फी है, इसलिए थरोली पढ़ने के बाद ही यहाँ पर आप एप्लीकेशन डालें। अप्लाई ऑनलाइन की लिंक यहाँ पर भी दी हुई है, फिर भी आप उस PDF को अच्छी तरीके से शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें। मेल फीमेल कैंडिडेट कहाँ पे कौन एप्लीकेशन डाल सकते हैं पूरी डिटेल समझें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको ये लिंक मिल जाएगी इस वेबसाइट की, यहाँ पर क्लिक करें, PDF सारी डाउनलोड करें, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड होने पर जरूर एप्लीकेशन डालें। थैंक यू वेरी मच।